हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, G20 नेगोशिएशन टू फोकस ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने फोकस को फोकस बोला था, तो चलिए आगे देखते हैं। द लीडर्स डिक्लेरेशन एट अ G20 मीटिंग हेयर ऑन सैटरडे लेड एम्फेसिस ऑन इंडिया इंश्योरिंग ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल इन लाइन विद G20 डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। भैया इतना बड़ा लाइन लिख दे रहे हैं ये लोग। The leader said in the declaration that they will encourage effort to strengthen research cooperation in climate resilient and nutritious grain such as millets. यानी कि श्रीयन, ये क्या हो गया मेरे को तो पता ही नहीं, सोर्गम एंड अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस वीट एंड मेज। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर वेलकमिंग द आउटकम फ्रॉम द G20 मेंबर्स एंगेजिंग इन द 12th G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मैक्स मीटिंग एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट दे इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू अवेलेबिलिटी एंड एफिशियंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल इम्पुट्स इंक्लूडिंग थ्रू स्ट्रेंथनिंग लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। तो भैया फर्टिलाइजर जरूरी हो रहा है सॉइल हेल्थ के लिए भी, लोकल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथन करो लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को, ये बोला गया है। द लीडर्स कमिटेड टू एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड इम्प्रूविंग मार्केटिंग एंड स्टोरेज टू बिल्ड मोर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। तो मतलब कोल्ड स्टोरेज की भी इसमें बात चल रही है। Commit to support developing countries' effort and capacity to address their food security challenges and work together to enable access of affordable, safe, nutritious and healthy diets and to foster the progressive realization of the right to adequate food, the declaration said. मतलब खाना होना चाहिए, भूखे पेट भजन भी नहीं होता, इसका सिंपल सा यही है। It added G20 will also facilitate open, fair, predictable and rule based agriculture food and fertilizer trade, not impose export prohibition on restriction and reduce market distortion in accordance with the WTO rules. ठीक है भैया। Strengthening AIIMS AMIS, ये वो वाला AIIMS नहीं हो गया जो आप सोच रहे हैं, AIIMS वाला MS। The leader said they are committed to strengthen the agricultural market information system information Agricultural Market Information System and the Group on Earth Observation Global Agricultural Monitoring for greater transparency to avoid food price volatility, supporting AIIMS to work on fertilizer, its expansion to include vegetable oils and for enhancing collaboration with early warning system. तो देखते हैं हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले AIIMS एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा WTO रूल्स, यहाँ पे क्या है WTO के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा आप देखिए यहाँ पे दिया है मिलेट्स दिया है, क्वेनो दिया है, सोरगम दिया है, राइस दिया है, वीट दिया है, मेज दिया है, तो पूछ देते हैं ये। तो ये सारे श्रीयन वगैरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। भूखे पेट भजन भी ना हो सके, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे एक सच बात तो यह है, आप लोग के थाली में होपफुली शायद खाना होगा, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खाना वेस्ट ना करें आप लोग कभी, और एक्स्ट्रा हो तो कभी किसी भूखे को खिला दीजिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड। शायद इस डायरेक्शन में वर्क हार्ड करने का सोचेंगे तो अचीवमेंट मिलेगी भी, कि आप जहाँ पे रहे अपने आसपास कोई वहाँ पे भूखा ना सो पाए, मतलब भूखा ना सोना पड़े किसी को, ऐसा हो कि आप लोगों को खाना दे सके। तो प्लीज़ कुछ एम लीजिए, बड़ा एम लीजिए एंड उसके लिए काम करिए, बहुत हार्ड वर्क करिए। एंड मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड वर्क हार्ड।